आज भगवान ने सभी ग्वालों को अपने जैसा स्वाद दिया, आनंद दिया। गांव के सभी बच्चे भगवान की वजह से प्रसन्न रहने लगे, आनंदित हो गए। अब तो गोपियां घर में आमे दूध काढ़ काढ़ के देखें, सबरी मटकी खाली मिले। सवेरे दही चला के गई, मक्खन भर के गई ताजा, और देखा तो खत्म। पूरे हफ्ता दो हफ्ता यही चलता रहा। ये क्या है, कौन भूतनी आ गई, कौन चुड़ैल आ गई है? अब सब गोपियां दरवाजों पे छुपके छुपा के रखवाली कर रही हैं। तब गोपियों को पता चला कि ग्वाल वालन के संग नंद को लाला रात्रि में आवे और ये कर्म करे। यशोदा मैया के घर गई गोपियां और शिकायत की, मैया फिर मत कही हो तुम, हम तुम्हारे लाला को मक्खन नहीं दे रहे, दो अठवाड़िया हो गए, पर तुम्हारा लाला रात में आवे और चोरी करके मक्खन को चुरा के खा जावे। आज यशोदा मैया पहरा दे रही है महाराज, रात में काला कम्बल उड़ा दिया और अपनी छाती से चुपका के सो गई मैया। और जैसे ही मैया को नींद आई, भगवान कौन सी लीला करके गायब हो गए। और रात में श्री दामा, मुद मंगल, माधव, इन सब को लेके प्रभावती नाम की गोपी के घर में डाका डाल दिया। सब घुस गए पूरे के पूरे। अब प्रभावती के यहाँ छींके पे टंगे थे माखन मिश्री, सब ग्वाल वालों ने खाने के लिए कोशिश की, हाथ नहीं आवे, छींको बड़ो ऊंचो। तो कुछ ग्वालों ने एक दूसरे के कंधे पे कंधा सटा के टोली बना ली और गोविंद को ऊपर चढ़ा लिया। बांसुरी निकाल के परमात्मा धड़ाम धड़ाम तोड़ते जा रहे मटकिन को, और सबरे ग्वाल वाल लथड़ पथड़ हो गए, खाने लगे। आब्रवतो नमादितम सर्व, आब्रकृतो नमादितम सर्व, नंदम बाल गोपालाय वेदो पूर्णो ब्रह्मयः। आज ब्रह्म कैसे बालक बन गए, सामान्य बच्चों की तरह भगवान शरारत कर रहे। चोर 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 चोर, गोपी हल्ला मचा रही हैं। हाय राम, भगवान को चोर कह रही हैं गोपियां, परमात्मा ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। बालपन में अगर आपने ऐसा नहीं किया छीना झपटी, तो बचपन हंसी खुशी वाला नहीं मानते। पर ये लीला कब की है, कहा 5 बरस की। ये परम लीला भगवान ने जब की, तो प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और ये कहा कि आज तुम्हें तुम्हारी मैया के सामने ले जाके दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारा ही लाला है जो हमारे घर चोरी करे। और आज रंगे हाथ पकड़ लिया, खींच के ले जा रही मैदान में से, गली में से। सुखदेव कहने लगे, राजन चौराहे पर भगवान ने ऐसी लीला की कि सामने से गोपी का नकली ससुर और जेठ बना दिए सामने। और पुराने जमाने में ससुर और जेठ जी से घूंघट डालना पड़े हो। अब ससुर जी जेठ जी देखे गोपी ने और पट से घूंघट डाला। और जैसे ही घूंघट डाला, भगवान ने कहा, अरे गोपी मैं बालक हूँ, तू कब से खींच रही है मेरा हाथ, अरे उखड़ जाएगा, मेरे हाथ में दुख रहा है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, ये हाथ छोड़ दे। गोपी ने कहा, भाई कुछ भी कहो, है तो बालक है, बेचारे का हाथ कब से पकड़ा है मैंने, दुख रहा होगा। जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ पकड़ा, तो भगवान ने कैसा चमत्कार किया कि अपनों हाथ निकाल के तो भग गए और गोपी के ही छोरा को हाथ भगवान पकड़ा के गोपी के हाथ में चले गए। अब घूंघट में गोपी गोपी देखे ना समझे ना कि क्या हुआ। यशोदा के घर पहुंची सुबह सुबह और जाके यशोदा का दरवाजा हल्ला मचाया, देखो आज मैंने तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तो तुम नहीं कहोगी कि हम झूठी हैं, देख लो रंगे हाथ पकड़ा है, देखो। यशोदा ने दरवाजा खोल के देखा
तो कन्हैया तो जाके मैया के बगल में सो गए थे चुपचाप लीला करके। मैया सोता छोड़ के आई, देखा गोपी के हाथ में गोपी कोई छोरा लग रहा, और मैया को कह रही देख तेरा छोरा पकड़ लियो रंगे हाथ चोरी करते। यशोदा मैया कहने लगी देख बाबड़ी, तुम मेरे कन्हैया से इतनी ज़्यादा जलने लगी हो कि तुम्हें अब मेरे छोरा में और तेरे छोरा में फर्क भी ना नजर आवे। अरे हाथ में पगली तेरा बालक है, चोरी तेरा छोरा करे और नाम मेरे छोरा को लगावो। मैं इसीलिए समझाती थी उसे कि तू गोपीन से यार ही मत कर, तू गोपियों से मत प्रेम रचा, ये गोपी एक दिन तुझे भारी पड़ जाएंगी, बदनाम करेंगी। सच आज वही हुआ। यह देशे प्रभावती ने देखा तो माथा पटकने लगी, हाय राम ये कैसे हो गया, मैं तो कान्हा को हाथ पकड़े हो तो, और ये कब चला गया, कब कान्हा ने रूप बदल लिया, कब ये मेरा छोरा बन गया। हाय राम ये कान्हा तो जादूगर है, ये शायद कभी पकड़ में ना आएगा। देखे तो आंख रगड़ते भगवान मैया के बिस्तर से उठे और गोपी के ढिंगोरी आए और कहने लगे देख ले मैया, तेरो लाला तो एकदम सज्जन है, पर ये गोपी चिढ़ के मारे तेरे छोरा को बदनाम करें, क्योंकि मैं अब इनके कहे से नाचू ना, और मैं नाचू ना तो ये चिड़ी बैठी और मुझे बदनाम कर रही। एक दिन तो जैसे तैसे समझा लिया भगवान, दूसरे दिन भगवान ने और लीला कर दी। एको अहम बहुश्यामी, भगवान ने एक से अनेक रूप बना लिए, और एक से अनेक रूप बना के भगवान सब गौशालाओं में चले गए। बछड़ों को दूध पीने को नहीं मिलता था, भगवान ने 4 बजे सारे बछड़े खोल दिए। ऐ बछड़े मस्ती में दूध पी रहे गैयन को, और दूध पी पी के बछड़े हो गए गुब्बारा, और जाकर चुपचाप बछड़े अपने अपने खुट्टों पे जाके सो गए। सवेरे गोपियाँ आई महाराज, रोज की तरह आई, बड़े बड़े बर्तन लेके 14-14 लीटर देंगी, 7 गैया का उकी 8। बछड़े खोलने के लिए खुट्टा पे गई, अब बछड़ा का खुले खुला ही पड़ा है वो तो। गोपियाँ उस जगह में बछड़न को लात मारे, हाथ लगा में उठ उठ, बछड़ा ना उठे। गोपी जबरदस्ती कान पकड़ के खींचे बछड़न को गैयन की तरफ, और बछड़े खूटा की तरफ खींचे, क्योंकि नाक तक भरे हैं, और बछड़ों को पूरा मालूम है कि मैया के नीचे कछु छोड़ो ही ना, अब जाएंगे तो लात और पड़ेगी फालतू को। अब गोपी ये समझने में नहीं आ रहा, गोपी ये सोच रही हैं बहनों कि आज बछड़े उल्टा क्यों कर रहे हैं, रोज बछड़े हम खूटा की तरफ खींचे तो गैया की तरफ भागे, आज हम गैया की तरफ खींच रहे हैं ये खूटा की तरफ भाग रहे हैं, भयो तो भयो का। अब गोपियों ने आटा भुरक दियो चारे पे, आए पानी छिड़क्यो आंचल में, और जैसे ही थन में पानी छिड़क्यो हाथ लगायो, गैया घनघना के मचक के पड़ी एकदम, और दोनों पैर भड़गड़ाए, ऐसी लात मारी गोपी में कि धड़म धुड़म्मा हो गई, कहीं से कहीं पड़ी मटकी और गोपी। अब तो भैया सब गौशालाओं में एक जैसा हाल, अब सब गोपी अपने अपने घर की ओर आ रही, गैया ने छोड़ छोड़ के तो गिरारे में मिल गई गलीन में। अब चर्चा, अरे मेरे तो घुटना तोड़ दियो गैया ने, कोई कह मेरे तो मुंह फोड़ दियो, कोई कह मेरे तो टकना तोड़ दिया, कोई कह मेरे तो कमर पे मारी है। अब सब गोपी सोचने लगी आज अचानक कौन सा मुहूर्त बिगड़ गो कि सारी गाय लात मारी है, सारी गोपियां तोड़ के फेंक दी। शाम को ऐसा फिर किया तो गोपियों ने आकर कथा घर पे बताई, तो घर पे तो रह गई है सांस बैठी ठाली, इन पे कोई काम कच्चा तो है ना, तो इन्होंने कहा ले ये गंडा बांध देना, गाय को नजर बजर लग गई होगी। सबरी गोपी शासन के हाथ से तावीज गंडे बनवा ले गई और गैयन के बांध दिए, गले में लटक रही है काऊ के फटी चप्पल का के टूटी चप्पल गैयन के गले में लटका दी सबरी ने, टोटका कर दिए महाराज, भगवान के ऊपर जादू टोना चप्पल जूते का कोई टोटका नहीं चलता मेरी माँ। अब तो ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि सुबह फिर वही लात मार, दूसरे दिन फिर वही लात मार। अब तो गोपियों ने समझाया कि ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है, ये कोई न कोई नटखट, ये किसी बालक का काम है। पर सारी गौशालाओं में बालक कैसे हो सकता है,
तो गोपियों ने कहा, सुनो आज रात को चौकीदारी करो, चलो। सब गोपी ने धनकुटा हाथ में ले लियो आटो खटकने को। अब धनकुटा धन कूटने वालों, अन्न कूटने वालों हाथ में लेके गोपी रात भर जागती रही। महाराज पूरी रात जागी। अब 4 बजे चिड़िया चहकने लगे, गोपीन को लगे कि अब खतरा टल गो, अब तो दुनिया जग गई, अब चोर काहे को आवेगो। ओ गोपियों ने कहा, चलो 1 घंटे आराम कर लो, फिर गैयन को चारों बारों करेंगे। जैसी गोपी सोने को गई, भगवान ने फिर वही काम खेल कर दियो। सारे बछड़े टना टन हो गए, 5-6 दिन में सूखे पड़े थे, लटकटे से हो गए थे। आज भगवान ने सारे बछड़ों को तंदुरुस्त कर दिया, अपने सारे सखाओं को तंदुरुस्त कर दिया। भगवान कहते हैं, बाबा माखन मिश्री दूध दही, अब ये बिकेगा नहीं गोकुल का। ग्वाल वाल और सभी बछड़ों को दूध दही मिले, उसके लिए गऊ पालन होता है। बाबा आप तो राजा हैं, आप बंद करो सबसे पहले बेकना, तब प्रजा बंद करेगी। राजा जैसा सद्गुणी हो प्रजा वैसी बन जाती है, राजा दुष्ट हो तो प्रजा धीरे धीरे दुष्ट हो जाती है। आज मैया ने देखा कि लाला रात दिन बिगड़ता जा रहा है। मैया लाला को आंगन में लेके बैठी गोद में और समझाने लगी, हे कन्हैया पूरे गांव में तेरी बड़ी बदनामी हो रही है। नंद बाबा को भी कहा कि जब से तुम घुमा के लाए हो, छोरा को बिगाड़ दियो तुमने घुमा घुमा के, इतनी बदनामी हो रही है छोरा की, हमारी तुम्हारी, गोपियों का मुंह बंद ना हो रहा, गोपियों का मुंह बंद ना हो रहा। यशोदा मैया लाला को गोद में लेके समझाने लगी, लाला ऐसो मत कर। अरे लाला तो कु ना पतो, तेरो ललनी पलना विवाह हो गया है, अब तेरी सगाई होने वाली है, तू 5 साल का हो गया, हमारा वचन पूरा हो गया, अगर ये सब तू करेगा तो तेरा बड़ा नुकसान होगा, मेरी बात माने। बंधुओ मैया समझा रही है, एक छोटी सी पंक्ति याद आ गई है, उसे सुनते हुए मैया की भावना को भगवान समझें, आप भी समझें। हरी चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो।